ये 10 मिनट, आपके क्लास 10 के प्रिपरेशन के ये 10 मिनट आपको SST के लिए इतना कुछ सिखाने वाले हैं जो कि आप पूरे साल में भी नहीं सीख पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के। तो ये चैप्टर्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भैया हमें लॉन्ग आंसर्स को कैसे प्रिपेयर करना है कुछ याद ही नहीं होता है एंड हम लोग आंसर्स को भूल जाते हैं। देखो एक 3-step plan है, एक सिंपल सा स्टेप प्लान है। सबसे पहले तो आपने कितना अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। आज का वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ सीक्रेट स्ट्रेटेजी जो कि मैंने खुद ने यूज की थी SST के सब्जेक्ट में 97 out of 100 स्कोर करने के लिए। एंड देखो ये वीडियो के अंदर स्ट्रेटेजी के साथ साथ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपके एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करते हैं। आपको किस तरह से आज से लेकर सितंबर अक्टूबर से लेकर बोर्ड एग्जाम्स आने तक आपको SST का सब्जेक्ट किस तरह से प्रिपेयर करना है, डेली कितना टाइम देना है एंड किस तरह से लॉन्ग आंसर्स को याद रखना है। तो देखो आज का वीडियो एक वन शॉट वीडियो है, मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड जो चैनल फर्स्ट टाइम आया है जिसको भी अच्छे मार्क्स लाने हैं क्लास 10th के अंदर मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो बिकॉज इसी टाइप का हर एक वीडियो आपके हेल्प करने वाला है क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, सबसे बेसिक पॉइंट, आपका जो SST का सब्जेक्ट है इतिहास भूगोल का जो सब्जेक्ट है वो टोटल कितने मार्क्स के लिए आएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर? टोटल 100 मार्क्स। अब देखो वो 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स रिटर्न है एंड बाकी के जो 20 मार्क्स है वो इंटरनल मार्क्स है, वो अलग चीज है। इंटरनल्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाने तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा बट आज की वीडियो में हमारा स्पेशल एम रहेगा 80 मार्क्स में से 80 मार्क्स कैसे स्कोर करना है, आउट ऑफ कैसे स्कोर करना है। देखो सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है कि पेपर फॉर्मेट कैसा होता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, 40 मार्क्स रहेगा हिस्ट्री सिविक्स के लिए एंड रिमेनिंग 40 मार्क्स रहेंगे ज्योग्राफी के लिए, भूगोल के लिए। देखो जो स्टार्टिंग के 40 मार्क्स है जो कि इतिहास हिस्ट्री के हैं, यहाँ पे गाइस 40 मार्क्स में से 28 मार्क्स के लिए हिस्ट्री में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड जो रिमेनिंग 12 मार्क्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस में से क्वेश्चंस आएंगे। एंड वहीं पे ज्योग्राफी के अंदर अब ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ज्योग्राफी के अंदर टोटल 26 मार्क्स के लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स, मैप्स, ग्राफ्स ये सारी चीजों में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड रिमेनिंग 14 मार्क्स हैं ब्रीफ क्वेश्चंस के। देखो यहाँ पे आप सभी लोगों को एक चीज इंपॉर्टेंट मेक श्योर करनी है, दैट इज हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने ब्रेन में फिट कर लो, हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको सारे चैप्टर्स के सारे ऑब्जेक्टिव्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है अभी कभी कमेंट करो यस भैया। अगर मेरे को 200 कमेंट्स दिख जाते हैं SST के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। सो यस भैया के 200 कमेंट्स करा दो एंड वीडियो पे एम करते हैं पूरे 400 लाइक्स का। सो यस लाइक गेम को भी कंप्लीट करवा देना। तो गाइस अगर हम बात करें सबसे पहले पॉइंट की, दैट इज SST के अंदर कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स आने के लिए, तो देखो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा सबसे बेसिक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपकी हेल्प करने वाली है SST में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, दैट इज योर टेक्स्ट बुक। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप टेक्स्ट बुक को एकदम अच्छे से रीड कर लेते हो, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करते हो टेक्स्ट बुक को, मतलब थोरोली अगर आप 2-3 बार भी रीड कर लेते हो आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ऑल्सो गाइस एक चीज आप लोगों को मेक श्योर कर लेनी है, SST के अंदर सिर्फ एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ मेरे एग्जाम के टाइम पे सिर्फ एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस नहीं आए थे, घुमा फिरा के ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछे थे टेक्स्ट बुक के अंदर से। अब मैंने तो टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से प्रिपेयर की थी, मैं तो उसे लिख के आ गया बट मेरे जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया था, सिर्फ रट्टा मारा था क्वेश्चंस को, उनके लग गए थे बॉस। तो फिर आप सभी लोगों को टेक्स्ट बुक रीडिंग, आज जैसे मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आपको डेली SST के लिए 20 मिनट्स, एटलीस्ट 20 मिनट्स आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग स्टार्ट कर देना है। दिस विल हेल्प यू अलॉट, सच में बता रहा हूँ, आपके ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर होंगे, आपका जो लैंग्वेज है वो और अच्छे से प्रिपेयर होगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होंगे एंड ओवरऑल फायदे हैं टेक्स्ट बुक रीडिंग के। ऑल्सो गाइज आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे तो प्रिपेयर करने ही है, साथ के साथ जब भी आप सभी लोग टेक्स्ट बुक रीड करोगे एक पेन या फिर पेंसिल हाईलाइटर अपने हाथ में रखना एंड आपको जो भी वर्ड्स, जो भी लाइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो भी डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हें आपको अंडरलाइन कर देना है। अब ये चीज हमें क्यों करनी है मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के टाइम पे, बट एक चीज मेक श्योर करो जब भी आप रीड करने बैठोगे पेंसिल, पेन, हाईलाइटर कुछ भी आपके हाथ में होना चाहिए एंड आपको जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है वो आपको मार्क कर देनी है। सेकेंड पॉइंट इज गाइज,
आप सभी लोगों को आपका हर एक चैप्टर कंप्लीट होते ही चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, यस आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देखो यार, अगर आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हो, आप अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हो, एंड भले ही एग्जाम्स के अंदर थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इजीली आंसर्स लिख लोगे। सो यस, आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक रीडिंग एकदम अच्छे से करना है, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कोई भी एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर जो भी चार्ट्स हैं, वेब डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स हैं, आपको वो सारे पॉइंट्स एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना है, एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यस चार्ट्स, वेब डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चंस बनते हैं वेब डायग्राम्स के ऊपर। अब देखो पेपर पैटर्न के ऊपर वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, बट अभी के लिए मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, उनके जो नेम्स हैं वो आपको याद रख लेने हैं। अब देखो एक सीक्रेट हैक बताता हूं, आपको अगर एसएसटी के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए, आपका कोई भी चैप्टर है, चैप्टर के अंदर कोई भी कंसेप्ट है, आपको वो कंसेप्ट को एकदम अच्छे से लर्न करना है, एकदम अच्छे से समझ लेना है, वो कंसेप्ट को ब्रेक डाउन कर दो। अब देखो वो पैराग्राफ फॉर्मेट में होता है, तो आप सभी लोगों को पैराग्राफ फॉर्मेट से ब्रेक डाउन करके उसे वेब डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है, बिकॉज इससे क्या होगा, आपके ब्रेन को क्रिएटिव लर्निंग ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। एंड अगर आप लोग वेब डायग्राम्स, वेब चार्ट्स में पढ़ते हो, तो आपको चीजें ज्यादा दिनों के लिए याद रहेगी, ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एंड देखो यही सेम चीज मैंने खुद ने भी फॉलो की थी, एंड इसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी एसएसटी के अंदर 97 मार्क्स स्कोर करने के लिए। सो यस, ये पॉइंट एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हमने ये चीज तो क्लियर कर ली, आपको हर एक चैप्टर कैसे प्रिपेयर करना है, इन डिटेल कैसे प्रिपेयर करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको आज से लेकर बोर्ड एग्जाम आने तक आपका जो रोड मैप है एसएसटी पढ़ने के लिए वो किस तरह से होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम सभी लोग सबसे पहले बात करते हैं ये 2 months की, दैट इज सितंबर अक्टूबर की। अब देखो सितंबर आधे से ज्यादा चला गया है, अक्टूबर के मंथ के अंदर, लाइक बचे हुए सितंबर एंड अक्टूबर के अंदर आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एसएसटी के सिलेबस को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कवर कर रहे हो, बिकॉज अगर आप अभी सिलेबस को कवर नहीं करते हो, आगे जाके आपके पास टाइम नहीं बचेगा सिलेबस कवर करने के लिए। एंड बाय चांस अगर आप दिसंबर तक सिलेबस ही कवर कर लेते हो, आपके डायरेक्टली प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, प्रीलिम्स आ जाएंगे, ओरल्स, वाइवास, बहुत कुछ होता है। तो आप सभी लोगों को अक्टूबर के मंथ के अंदर अपने सिलेबस को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। एंड देखो अगर आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा रिविजन करने के लिए। तो गाइस अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारे पूछते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के। सो ये चैप्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री अगर हम बात करें, सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, यस इट इज इंपॉर्टेंट, कहीं पे नोट डाउन कर लो, एक काम करो टेक्स्ट बुक निकालो एंड टेक्स्ट बुक के अंदर स्टार मार्क करो जो भी चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, देन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, 5, 7, 9, ये जो 5 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 9 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। एंड देखो ये चैप्टर्स मैंने क्यों इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाले हैं, बिकॉज इनमें से हर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो 1 mark का हो, 2 mark का हो, या फिर 3 mark का डिटेल क्वेश्चन हो, तो आपको ये 5 चैप्टर्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, यस ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत स्टूडेंट्स बोलेंगे भैया 5 तो चैप्टर है, उसमें से 4 आप इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको प्रिपेयर करनी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप 5वें चैप्टर को स्किप कर दोगे, स्किप हमें कुछ भी नहीं करना है, बट द मेन थिंग इज जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमें उनके ऊपर ज्यादा फोकस डालना है, ज्यादा एफर्ट्स डालना है। अगर हम बात करें भूगोल की, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको आगे बताता हूँ, बट अभी के लिए हम लोग बात करते हैं लॉन्ग आंसर्स। बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे थे भैया हमें लॉन्ग आंसर्स को कैसे प्रिपेयर करना है, कुछ याद ही नहीं होता है एंड हम लोग आंसर्स को भूल जाते हैं। देखो एक 3-step plan है, एक सिंपल सा स्टेप प्लान है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जो आपका आंसर है उसे ब्रेक डाउन कर देना है। अब ब्रेक डाउन मतलब फॉर एग्जांपल अगर 4 point, 6 point का आंसर है, उसे एक एक पॉइंट में ब्रेक डाउन कर दो एंड देन आपको हर एक पॉइंट को समझ देना है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग के जो 2 points हैं वो बेस पॉइंट्स होते हैं, मतलब वो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स होते हैं, सो आपको उन्हें एकदम अच्छे से पिट पैट लर्न कर लेना है, समझ लेना है। देन गाइस जो मिडिल के पॉइंट्स होते हैं वो उनका ही एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब जो इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट्स हैं उनका ही थोड़ा सा डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन होता है। एंड जो लास्ट के 2 points हैं वो कंक्लूजन होते हैं, मतलब एक सैंडविच की तरह है। अगर आप एक आंसर लिख रहे हो एक सैंडविच की तरह समझो, सबसे पहले जो बेस रहता है सैंडविच का ब्रेड, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, देन हम लोग जो टॉपिंग्स करते हैं, जो भी फीलिंग्स करते हैं, वो सारा एक्सप्लेनेशन हो गया डिटेल वाला पार्ट, एंड देन ऊपर से आता है सॉस, सॉस मतलब कंक्लूजन। अगर आप लोग इस तरह से आंसर लिखते हो, इस तरह से आंसर्स को लर्न करते हो, पूरा एक साथ लर्न नहीं करके पार्ट्स के अंदर लर्न करते हो, आप वो आंसर्स इजिली लर्न हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज मेक श्योर करना, बहुत सारे मिस्टेक करते हैं,
आप सभी लोगों को गलती से भी आंसर्स को रट्टा नहीं मारना है। एज अ भैया बोल रहा हूँ, एज अ बड़ा भाई बोल रहा हूँ, आंसर्स को रट्टा मत मारना। बिकॉज अगर आप आंसर्स को रट्टा मार लेते हो, अगर आप स्टार्टिंग का एक पॉइंट एक वर्ड भी भूल गए ना, आप पूरा आंसर भूल जाओगे। मेरे साथ हुई थी ये चीज। प्लीज आंसर्स को समझो, कंसेप्ट को समझो, एंड ये चीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म आंसर्स को लर्न करने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। अगर हम बात करें ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, 3, 8, 9, 6। ये जो पांच चैप्टर्स हैं आपके ज्योग्राफी के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करते हैं। यस, दे आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनमें से हर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे चैप्टर्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। ऑल्सो गाइस, एक सीक्रेट है, आपको ज्योग्राफी कैसे प्रिपेयर करना है, मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना है, तो मेरे पास एक सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पे कहीं पे लिंक आ गया होगा, वहां पे मैंने आपके सीनियर्स के लिए एक सीरीज बनाया था, जहाँ पे हर एक चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट मैथ्स वाले क्वेश्चन है वो हमने इन डिटेल प्रैक्टिकली मैथ्स के ऊपर सॉल्व किया था। ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, सो मेक श्योर आप लोग चाहिए फॉलो कर रहे हो। एंड गाइस, एसएसटी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर स्पेशली, चीजें इमेजिन करो, स्टोरीज बनाओ, एंड उस तरह से अगर आप लोग लर्न करते हो, एज अ टॉपर बता रहा हूँ, उस टाइम एज अ भैया बता रहा था आपको रट्टा नहीं मारना है, अब एज अ टॉपर बता रहा हूँ आप सभी लोगों को स्टोरीज बनाना है, चीजों को सिंप्लीफाई कर देना है। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि आप कभी भी जो भी चीज आपने पढ़ी है उसे कभी ना भूलो, एक सिंपल सा सोल्यूशन है, दैट इज वो जो चीज आप पढ़ रहे हो, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उसे किसी और को एक्सप्लेन कर दो, किसी और को पढ़ा दो। समझो, मैं क्या करता था, अपनी मम्मी को बिठाया एंड पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, जो भी कंसेप्ट पढ़ा उसे एकदम अच्छे से पढ़ा दिया, एंड ये चीज करके मैं अपने लिए कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर रहा हूँ, एंड चीजें मुझे ज्यादा अच्छे से याद होने वाली है। यही सेम पॉइंट आपको भी फॉलो करना है, चीजें ज्यादा दिनों तक ज्यादा अच्छे से याद करने के लिए। एंड जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आ गया होगा, मेक श्योर आप लोग उसे जाकर चेकआउट कर रहे हो, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।